Hello student, how are you? I hope you will do a different part. Today we will read chapter 11, Homes of Animals. आज हम जानवरों के घर इस विषय पर चर्चा करेंगे. Okay students, let us we will read the like human beings, animals also need houses too. मनुष्य की तरह जानवरों को भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. डिफरेंट एनिमल्स ये इन डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर्स. भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर भिन्न भिन्न तरीके के घरों में रहते हैं. अर्थात जिनकी उनके रहने का जगह भी भिन्न होती है. आवर फर्स्ट टॉपिक नेस्ट ऑफ बर्ड. क्या है नेस्ट ऑफ बर्ड्स? राइट, नेस्ट ऑफ पक्षियों के लिए. अभी मैंने आपको बताया था कि भिन्न भिन्न तरीके के जानवरों के रहने की जगह भिन्न होती है. जैसे पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में, है ना. और जानवर कहाँ रहते हैं? कुछ जानवर जैसे शेर है, शेर कहाँ रहता है? मांझ में. और स्नेक, सांप, सांप कहाँ रहते हैं? भिन्न में. इसी तरीके से सभी जानवरों के जो शेल्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं. ओके स्टूडेंट्स, आवर नाउ वी विल फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट नेस्ट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के घर. लेट अस वी विल स्टार्ट. बर्ड्स लिव इन होम ट्री एंड आल्सो मेक नेस्ट. पक्षी पेड़ों पर रहते हैं और घोंसले भी बनाते हैं. दे मेक नेस्ट टू ले एग्स protect their young ones from their enemies and bring them. क्या करते हैं पक्षी, किस लिए बनाते हैं? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? अगर हम क्वेश्चन बनाया जाए हमारा, why do birds make their nest? पक्षी अपने घोंसले क्यों बनाते हैं? तो ये है because नेस्ट प्रोटेक्ट्स अस देयर यंग वंस. क्योंकि पक्षी के जो बच्चे होते हैं या पक्षियों को जो अंडे देने होते हैं वो किसमें देते हैं? नेस्ट में, हैं. वे अपने घोंसले में अंडे देते हैं और जिसमें उनके बच्चे जब होते हैं तो वो उसमें सुरक्षित रहते हैं और उसमें उनको किसी भी तरीके की खतरे का डर नहीं रहता. वो आने वाले खतरे से भी सुरक्षित रहते हैं. एंट्री दे मेक्स नेस्ट इन थ्री ब्रांचेस ऑन टॉप ऑफ रॉक्स एंड ग्राउंड एक्सेट्रा. और वे ये अपने घोंसले कहाँ कहाँ बनाते हैं बच्चों? पेड़ में, पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, शाखाओं पर और पुरानी हवेली, पुरानी घर की छत पर या ग्राउंड. दे यूज ग्रास, ट्वीग्स, लीव्स, पीसेस ऑफ थ्रेड, मड, फीदर्स, बबल्स एक्सेट्रा टू मेक देयर नेस्ट. वो बहुत ये घोंसले को बनाने में घास, फूस, तिनके, पत्तियाँ, धागा और गारा, मिट्टी का जो गारा होता है, कंक, छोटे छोटे कंकड़ आदि का प्रयोग करके घोंसले को बनाते हैं. डिड यू नो कुकू इज अ बर्ड दैट डज नॉट मेक इट्स नेस्ट? इट लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ कोयल. क्या आप जानते हैं कि कोयल कभी भी अपने घोंसला नहीं बनाती? वो कौवे के घोंसले में
अपने अंडे देती है और भी अपने बच्चे पालती है, क्योंकि कौवा और कोयल के बच्चे भी एक जैसे लगते हैं और उनके अंडे भी एक जैसे लगते हैं, और जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, उड़ने लायक होते हैं, तो वो उड़ जाते हैं। ठीक। शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव, आवर नेक्स्ट टॉपिक शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स। बेटा लैंड एनिमल्स क्या होते हैं? जो धरती पर जानवर रहते हैं। आपको पता है कि एनिमल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना? लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स। धरती पर रहने वाले जानवरों का आश्रय, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो जानवर धरती पर रहते हैं उनको हम स्थलीय जानवर कहते हैं। वाइल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट, लॉइन एंड बियर्स लिव इन डेन एंड केव्स। जो जंगली जानवर होते हैं वो जैसे शेर, चीता, भालू, ये सब कहाँ रहते हैं? शेर कहाँ रहता है? वहाँ पे, है ना? डैन। और इसके अलावा एलिफेंट लिव इन हर्ड। एलिफेंट किस में रहता है? झुंडों में। दे टेक शेल्टर अंडर द ट्री, और वो उनका शेल्टर क्या होता है? पेड़ के नीचे, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे वो अपना शेल्टर बना लेते हैं और वहीं पर अपना समय बिता लेते हैं। डिड यू नो, सॉरी, रैबिट लिव इन ब्यूरोज इन द ग्राउंड, और जो खरगोश है वो ग्राउंड में ब्यू बनाकर रहते हैं, जिसको हम ब्यूरोज बोलते हैं। मोलेस मेक होल्स इन द सॉयल एंड लिव इन इनसाइड, और जो ऐसे रहने वाले जंतु हैं या मोलेस है या रैट है, ये सारे क्या करते हैं? जमीन के अंदर मिट्टी को कर नबिल बना देते हैं और उसमें रहते हैं। डिड यू नो मंकी एंड स्क्वायरल आर एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री। क्या तुम जानते हो कि गिलहरी और बंदर एक ऐसे जानवर हैं जो पेड़ पर रहते हैं? दे आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल, उनको हम अर्बोरियल एनिमल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आवर पेज नंबर 68 इज कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट पेज I will read you next day. Okay? If you have any problem, you can discuss me. Okay, students? Thank you. Have a nice day.